डीडी फिटिस की 79th ई ऑक्शन होने जा रही है भाई एमपीजी 2 के लिए। एमपीजी 2 की अगर मैंने आप लोगों को कल अपडेट दी थी, वहां पर सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है पीयर टीवी, जहां पर टेस्ट 407 में वो रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन अभी आप लोगों ने दो दिन पहले देखा होगा, जहां टेस्ट 407 था वहां पर रशिया टुडे चेंज कर दिया गया है, और जो रशिया टुडे का स्लॉट था अब वो खाली कर दिया है, जो कि है टेस्ट 520 पर। इसके साथ साथ एक पॉपुलर टीवी भी रिमूव हुआ था टेस्ट 202 में, उसको रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन वो फिर से वापसी कर चुका है। तो अभी सिर्फ एक स्लॉट खाली है जो कि है टेस्ट 520, और जो कि एलसीएन नंबर 94 है डीडी फिडिस का, मतलब सबसे लास्ट एलसीएन नंबर है एमपीजी 2 का। पिछली बार की अगर ई ऑक्शन देखें तो फेल रही थी, किसी भी ब्रॉडकास्टर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और इस बार जो ई ऑक्शन होने जा रही है वो 16 जुलाई को होने जा रही है। अगर कोई ब्रॉडकास्टर यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है तो वो 24 जुलाई को डीडी फिडिस पर ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी ब्रॉडकास्टर अगर अपनी एप्लीकेशन देना चाहता है तो 15 जुलाई दोपहर 3 बजे तक दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की ई ऑक्शन भी शायद फेल्ड रहे। फेल्ड किस वजह से है? सबसे पहला रीज़न तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपना स्लॉट है, पहले दोस्तों पीयर टीवी 63 या 61 कुछ ऐसे एलसीएन पर देखने को मिल रहा था, 407 नंबर था तो शायद 63 एलसीएन पर दोस्तों ये अवेलेबल था। लेकिन अब इसी एलसीएन को रिप्लेस कर दिया है 94 के साथ, और बहुत से ब्रॉडकास्टर इसी वजह से, इस रीजन की वजह से भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लास्ट में अपना एलसीएन मिलने जा रहा है, मतलब डीडी फ्रिज के लास्ट नंबर्स पर। क्योंकि आप लोगों ने अगर एक बार देखा होगा, सोनी पल या कलर इसके जैसे चैनल ने स्लॉट वोन कर लिया था, और उन्होंने विड्रॉ क्यों कर लिया था, क्योंकि उनको एलसीएन नंबर पसंद नहीं आया था अपना। वो चाहते थे कि उनको एलसीएन नंबर शुरू में मिले, लेकिन उनको एलसीएन नंबर लास्ट में मिल रहे थे, या बीच में कहीं भी, मिड में कहीं भी मिल रहे थे, लेकिन वो खुश नहीं थे। और कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा कि मुझे लास्ट का एलसीएन नंबर मिले। एक रीज़न तो दोस्तों ये है। सेकेंड रीज़न है दोस्तों जो आपकी ब्रॉडकास्टर्स के प्राइजेस, जो आपने ई ऑक्शन रखी है, ई ऑक्शन के जो राउंड्स हैं और बकेट्स रखे हैं ए प्लस, ए बी सी डी और आर वन, उनके बिड प्राइस जो है काफ़ी हाई रखे हैं पिछली बार की तरह ही। क्योंकि पिछली बार जो ब्रॉडकास्टर ने रीजन दिया था ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट ना करने का, वो हाई प्राइजेस ही था। और इस बार भी अगर बकेट ए प्लस कोई जनरल एंटरटेनमेंट चैनल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा तो उसको 14,61,00,000 से बिड वैल्यू स्टार्ट करनी होगी, मतलब 15 करोड़ से प्लस जो है उसको स्लॉट मिल पाएगा अगर वो डीडी फिडिस पर आना चाहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए कैटेगरी, सी कैटेगरी की है तो 15 से नीचे 14 करोड़ पर आएगा, फिर 13 पर 12 करोड़। और अगर हम लास्ट भी देखें जो बकेट आर वन है, बकेट आर वन में क्या होता है, जो ऊपर के बकेट्स हैं अगर किसी उनसे अदर लैंग्वेज का कोई चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो बकेट आर वन में पार्टिसिपेट करेगा, और उसका प्राइस भी दोस्तों 9,14,00,000 प्लस रखा है, मतलब 10 करोड़ जो है बिड वैल्यू से उसको स्टार्ट करना होगा। अगर कोई अदर लैंग्वेज का, अदर भाषा का, किसी दूसरी भाषा का, हिंदी से अलग भाषा का कोई चैनल यहाँ पर आना चाहता है तो काफ़ी हाई बिड प्राइस रखे हैं भाई इस बार फिर से प्रसार भारती ने। और एक ये भी रीजन मुझे लगता है कि शायद इस बार भी कोई ब्रॉडकास्टर पार्टिसिपेट ना करे। सो देखते हैं भाई क्या रहता है इस बार की ई ऑक्शन में। 16 जुलाई को ई ऑक्शन होगी, अगर चैनल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, 24 जुलाई को आप लोगों को एक नया चैनल डीडी फ्रीज पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या इस बार की ऑक्शन सक्सेस रहेगी या नहीं रह पाएगी, क्या रहेगा। धन्यवाद।